उज्जैन तहसील बनगर गांव मालपुरा दुनालजब गोपाल गोशाला चंबल नदी के तट श्रीमद गो भागवत कथा 7 दिन की रखी गई थी, जो आज पूरी हो गई है। इस मौके पर विधायक जितेंद्र पंड्या ने आरती उतारी और गोमाता के जयकारों से समूचा माहौल भक्तिमय हो उठा। धार्मिक आयोजन में आसपास के गांवों से आस्था का सैलाब उमड़ा। संसार के समस्त सुख गो सेवा में मिलते हैं, यह विचार उपखंड के बोहेड़ा गांव में चल रही 7 दिवसीय गो कृपा कथा में साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती दीदी ने बड़ी संख्या में गो भक्तों के समक्ष व्यक्त की। गो भक्तों को संबोधित करते हुए साध्वी सरस्वती दीदी ने कहा कि गो माता में संसार के समस्त सुख देने का सामर्थ्य होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज दुखी नहीं है। साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती दीदी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि एक दिन के बच्चे से लगातार 99 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी आज किसी ना किसी कारण से दुखी जरूर है, या दुख सिर्फ गोमाता की सच्चे भाव से सेवा करने से दूर हो सकते हैं। साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती दीदी ने कहा कि आज हमारा जो भी अस्तित्व है वह सब गोमाता की कृपा से है। आज के युग में हमें गोमाता का महत्व हर हाल में समझना होगा। साध्वी सरस्वती दीदी ने गो भक्तों को कहा कि गोमूत्र एवं पंचगव्य से आज मनुष्य के बड़े से बड़े रोग ठीक हो रहे हैं। गोमूत्र एवं पंचगव्य की सार्थकता आज वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरी उतर चुकी है। साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती दीदी ने हर घर में एक गोमाता रखने की प्रेरणा दी। साध्वी सरस्वती दीदी ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि हम गाय को पालते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गाय हमें पालती है। शास्त्रों में गोमाता का दूध माँ के दूध के समान गुणकारी बताया गया है। आज हमने गाय एवं नंदी को रखना ही बंद कर दिया है। इसी का दुष्परिणाम यह आ रहा है कि अब हमारी बहु बेटियों में बांझपन की समस्या बढ़ रही है। पहले गाय माता की सेवा करते थे एवं गोबर उठाते समय गोमाता और नंदी बाबा के मूत्र की गंध से स्त्रियों में संतान उत्पन्न करने में बाधक तत्व खत्म होकर शरीर रोग मुक्त हो जाता था, जिससे ऐसी सेवा करने वाली महिलाएं संतान सुख से कभी वंचित नहीं रहती थी। गोमाता हमें दूध तो देती है, साथ ही पूत भी देती है। साध्वी दीदी ने जिन महिलाओं को शादी के बाद भी लंबे समय तक संतान का सुख नहीं मिलता है, वे अगर घर में गाय रख कर सच्चे भाव से गोमाता की सेवा करें तो उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। गोमाता की पूरे भाव के साथ सेवा करने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि भी बढ़ती है। साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती दीदी ने कहा कि सदगुरु एवं गो माता के आशीर्वाद से हमारा जीवन संवर जाता है। गाय का महत्व बताते हुए साध्वी सरस्वती दीदी ने कहा कि राजा दिलीप गो माता को शेर के हमले से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गए थे। राजा दिलीप ने शेर से गाय का भक्षण नहीं कर उन्हें खा लेने का निवेदन किया। वहीं आज इंसान की इंसानियत खत्म होती दिखाई दे रही है। हमारा जीवन बनाने वाली गोमाता को ही इंसान द्वारा कत्ल खाने में काटा जा रहा है। इंसान की दया धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसी वजह से इंसान दुखी होता जा रहा है। गोमाता की सेवा से संसार के समस्त दुख दूर होकर हमें आनंद की अनुभूति होती है। रिपोर्टर किशन गुजर। आई है पहली कथा बड़नगर में हुई थी और अभी द्वितीय कथा दुनालजा इस क्षेत्र में हुई है। निश्चित है बड़नगर में भी हमारे जो गोभक्त हैं बड़े भाव से लगे हुए हैं। और बड़नगर की बात ये उसी तहसील का एक गांव है दुनालजा, यहाँ पर भी वर्तमान में 950 गो माताओं की बड़े भाव से सेवा हो रही है। और हमारा अब आग्रह रहेगा आदरणीय जगन जी भैया से, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, आपके सानिध्य में यहाँ के क्षेत्र में गौ सेवा की और उत्तरोत्तर वृद्धि हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ माता के भाव से जुड़े। आपके सानिध्य में अभी भी चल ही रहा है और भाव से और आनंद भाव से गौ सेवा के भाव से जुड़े। बस यही प्रार्थना है सभी से।